तरह के सर्जरीज करवाते हैं, खास करके ग्लैमर इंडस्ट्री में ये काफी टाइम से चलता आ रहा है। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस अब तक कोई ना कोई सर्जरी करवा चुकी है। किसी ने सुंदर दिखने के लिए होठों की सर्जरी करवाई है तो किसी ने पतला होने के लिए लिपोसक्शन का सहारा लिया है, किसी ने नोज जॉब करवाया है तो किसी ने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया है। आजकल के इस मॉडर्न युग में क्या कुछ नहीं संभव है, और आज के टाइम में ऐसी ऐसी तकनीक आ गई है जिनकी मदद से इंसान अपनी सारी खामियों को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो खुद से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें अपने नैन नक्श में कोई ना कोई बुराई जरूर नजर आती है, हालांकि वो दुनिया की नजरों में परफेक्ट होते हैं। बॉलीवुड में भी ऐसे कई अभिनेत्रियां हैं जो सुंदर होने के बावजूद अपने नैन नक्श से खुश नहीं थी और उन्होंने सर्जरी करवा ली। सर्जरी के बाद जो नतीजा आया उसे देखने के बाद वो खुश होने की बजाय और भी ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उनकी सर्जरी कामयाब ही नहीं हुई और जैसा लुक वो चाहती थी वैसा लुक उन्हें नहीं मिल पाया। उन्हीं में से एक अभिनेत्री है एक्ट्रेस आयशा टाकिया। वो आए दिन अपने लुक्स के लिए ट्रोल होती रहती हैं। बता दें कि आयशा टाकिया अब कई तरह की सर्जरीज करवाने के बाद बिल्कुल अलग दिखने लगी हैं। हाल ही में आयशा की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। बता दें कि वायरल हुई ये तस्वीरें उस समय की हैं जब आयशा किसी सलून के बाहर निकल रही थी। आयशा की इन्हीं तस्वीरों को जहां उनके फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें इतनी बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। आजकल वैसे भी बॉलीवुड सितारों को ट्रोल करने का ट्रेंड है, आए दिन कोई ना कोई सितारा ट्रोल होता ही रहता है। ऐसे में आयशा की इन तस्वीरों को देखकर लोगों को उन्हें ट्रोल करने का एक जबरदस्त मौका मिल चुका है। बता दें कि आयशा को उनके लुक्स के लिए आए दिन यूजर्स ट्रोल करते रहते हैं, ऐसे में एक बार फिर से वो ट्रोलिंग का शिकार हो गई हैं। हाल ही में जब वो मुंबई के एक सलून के बाहर स्पॉट हुई तो लोगों ने उनकी तस्वीर पर तरह तरह के कॉमेंट्स करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने आयशा के फोटो पर कॉमेंट करते हुए लिखा कि वो पहले ही इतनी सुंदर थी, पता नहीं उन्होंने क्यों प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि वो पहले ही ठीक लगती थी और अब पता ही नहीं चलता कि वो मर्द है या फिर औरत। बता दें कि आयशा टाकिया ने पॉलिटिशियन अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी से शादी की है। फरहान पेशे से बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कई होटल के मालिक भी हैं। दोनों ने शादी से पहले लंबे टाइम तक एक दूसरे को डेट किया था। शादी के बाद आयशा ने फिल्मों से भी दूरी बना ली और अब आयशा टाकिया माँ भी बन चुकी हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, आपको आयशा टाकिया का कौन सा लुक सबसे ज्यादा पसंद आया, प्लास्टिक सर्जरी से पहले का या फिर प्लास्टिक सर्जरी के बाद का, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।